पिछले मंगलवार की रात अयोध्या की मस्जिदों में अचानक सूअर के मांस के टुकड़े फेंके गए, कुरान के पन्ने फाड़कर फेंके गए और मुसलमानों को धमकी देने वाले पोस्टर भी फेंके गए। फेंकने वाले सीसीटीवी में कैद हो गए। फेंकने वालों ने जालीदार मुस्लिम टोपी पहन रखी थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद अयोध्या के मुसलमानों ने संयम बरता और कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने दी। लेकिन ऐसी हरकत करने वालों ने बाकायदा प्लानिंग की थी कि कैसे अयोध्या में दंगे करवाए जाएं और मस्जिदों में सूअर का मांस फेंक कर उन्हें उकसाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यूपी पुलिस ने भी कमाल का काम किया और पुलिस ने बताया कि दंगा भड़काने की कोशिश करने वाले सारे के सारे हिंदू थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, कुछ हिंदुओं ने ही दंगों की साजिश रची थी। पुलिस ने जो नाम जारी किए हैं उसके मुताबिक महेश मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गोड, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति, विमल पांडे ने ये पूरी साजिश रची और सारे के सारे हिंदू हैं। इनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्युष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को, और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि हिंदू आरोपियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। यूपी के बुलडोजर बाबा यानी योगी दंगा भड़काने की साजिश करने वालों के घरों को कब गिराएंगे? क्या इन हिंदू आरोपियों की भी संपत्ति जब्त होगी और क्या योगी इन दंगाइयों पर भी वैसी ही कार्रवाई करेंगी जैसी उन्होंने कई मुस्लिम आरोपियों पर की है? कानून तो सबके लिए बराबर होता है, तो फिर इनके घरों पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? आखिर किस बात का इंतजार है? सवाल तो ये भी है कि क्या योगी की ठोको नीति का पालन करते हुए यूपी पुलिस इन आरोपियों का भी इनकाउंटर करेगी जो पूरे शहर को जला देना चाहते थे, या फिर जेल से बाहर आने के बाद इन दंगाइयों का भी भव्य स्वागत किया जाएगा? इन सवालों के जवाब तो यूपी की योगी सरकार को देने ही चाहिए। योगी जी जवाब देंगे या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं। कमेंट में लिखें अपनी बात। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।